नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मेरे हाथ में देख रहे हैं इस सिक्के के बारे में। 1 रुपए का सिक्का कितनी कीमत रखता है अपने आप में वो जानेंगे, कौन सी कंडीशन का सिक्का आपको कितनी कीमत दिला सकता है वो भी जानेंगे। तो आपके पास भी अगर भारतीय रिजर्व बैंक के 1 रुपए के ऐसे सिक्के हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको एक ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन सिक्कों की कीमत क्या मिलने वाली है। क्योंकि इन सिक्कों को मतलब ओनली भारत के एक ही मिंट में जारी किया गया है, तो हो सकता है इनमें सिक्का कीमती निकल जाए। तो चलो जान लेते हैं 1 रुपए के इन सिक्कों की पूरी डिटेल में जानकारी, आपको क्या मिल सकता है 1 रुपए के इस सिक्के के बदले में। तो ये सिक्के हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था और इन सिक्कों का वजन होता है 4.95 ग्राम, और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में इन सिक्कों को जारी किया गया था, और इन सिक्कों का थिकनेस होता है 1.55 mm, और सिक्कों की जो डाई यूज की गई थी वो थी 24.8 mm की, और इन सिक्कों का जो जारी करने का ईयर है वो है 2010, जो आप इस सिक्के में देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड में आपको 2010 देखने को मिलता है। मिंट मार्क इसका दिखता नहीं है, ये सिक्का घिसा हुआ है, इसकी वजह से आपको इस सिक्के का मिंट मार्क नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों के पास में भी ऐसे 1 रुपए के सिक्के हैं और आप जानना चाहते हैं कि अपने सिक्के की कीमत क्या मिलेगी, तो इस वीडियो को बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सिक्कों की सही कीमत क्या है और आपको इन सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप इन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं तो कौन सी कंडीशन में इन सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए। ये जानकारी आप लोग के लिए काम में आएगी। अगर आपके पास ऐसे सिक्के पड़े हैं, नई कंडीशन के सिक्के हैं, तो आपको जरूर एंड तक इस वीडियो को देखना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी कंफ्यूजिंग पैदा कर देते हैं जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है, या तो हम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर अपने आप में सोच के बैठ सकते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ही जानकारी बताने वाला हूँ। ये जो सिक्का है इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये सिक्का ओनली एक ही मिंट से जारी किया गया है, हैदराबाद मिंट से इस सिक्के को जारी किया गया है, तो फिर ये सिक्का कीमती क्यों नहीं है। तो इसकी कई वजह होती है। एक मिंट से जारी करने से कोई सिक्का कीमती नहीं हो जाता, ये भी एक वजह होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो डाल देते हैं, एक रुपए के इस सिक्के की कीमत बता के रखी है 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख रुपए का चक्कर है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, और बाद में उसके बाद में कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है कि आपने बताया नहीं 1 रुपए के सिक्के की कीमत क्या मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब तक मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने इसकी कीमत बता के रखी है, फिर भी आपको नहीं समझ में आई तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इस 1 रुपए के सिक्के की आपको क्या कीमत मिल सकती है। लेकिन जो इन सिक्कों में ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये सिक्के मुंबई मिंट से नहीं जारी किए गए हैं, ये सिक्के ओनली जारी किए गए हैदराबाद की मिंट से। लेकिन जो मुंबई मिंट का जो सिक्का जारी किया गया है वो है प्रूफ सेट का सिक्का। तो प्रूफ सेट या फिर यूएनसी सेट के जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों की कीमत ऑलरेडी ज्यादा होती है, क्योंकि वो सिक्के ही कुछ अलग होते हैं, या फिर बोले तो वो सिक्के सर्कुलेशन के लिए नहीं होते हैं, इसके लिए कुछ सिक्के तैयार किए जाते हैं, तो वो तो कीमती सिक्के होने ही है। ऐसे इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिक्का कीमती है, क्या ये रियल में 1 रुपए का सिक्का कीमती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सिक्का अगर यूएनसी कंडीशन का होता है आपके पास में 1 रुपए का ये सिक्का, तो आपको इस 1 रुपए के बदले में मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 रुपए। यूएनसी कंडीशन का मतलब अनसर्कुलेटेड कॉइन होता है, तब आपको 5 से 7 रुपए मिल सकते हैं, या फिर 10 रुपए बोल सकते हैं कि 10 रुपए तक मिल जाएंगे अगर कोई आपको 1 रुपए का नया एकदम सिक्का ला के दे देता है जिसपे कोई भी स्क्रेच नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आप कलेक्शन की बात करते हैं तो हाँ, आप 1 रुपए 2 रुपए ऐसे अपने कलेक्शन के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये कलेक्शन के लिए सिक्के नहीं है, सर्कुलेटेड कॉइन है, तो इन सिक्कों की उतनी ज्यादा कीमत नहीं है। तो आप गलत जानकारी से थोड़े दूर रहिए, या फिर कोई अच्छी जानकारी देती है ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हो सकता है उसके चैनल पे आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा। मैंने भी शायद इस सिक्के के बारे में जानकारी अपलोड करके रखी है, तो आप वहां जाके भी इसकी जानकारी, ये जो सीरीज है इसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इन सिक्कों के बदले में आपको 5 लाख तो नहीं मिलने वाले हैं। जो कीमती सिक्के हैं वो है यूएनसी और प्रूफ सेट के सिक्के, तो वो सिक्के कीमती जरूर हैं। ये 1 रुपए का सिक्का ओनली 1 रुपए की वैल्यूएशन ही रखता है। हाँ, 1 मिनट में जरूर जारी किया गया, लेकिन इन सिक्कों को बहुत ज्यादा मात्रा में जारी किया गया जिसकी वजह से 1 रुपए के सिक्के कीमती तो नहीं है।
इसके बाद में जो दूसरा सिक्का है ये प्लेटिनम जुबली का 5 रुपए का ये वाला सिक्का, तो ये सिक्का भी उतनी ज्यादा कीमत नहीं है। इसमें जो कीमती सिक्का है वो है एक म्यूल वैरायटी का सिक्का। तो म्यूल सिक्का होता है उसकी कीमत कुछ अलग होती है, लेकिन नॉर्मल जो सिक्का होता है वो उतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं रखता है। इसके लिए आप लोग जो प्लेटिनम जुबली के जो सिक्के मुझे सेंड करते रहते हैं या कॉमेंट करते रहते हैं, वो सिक्के ही कुछ अलग हैं। वो आपके सिक्के ओनली 5 रुपए की वैल्यूएशन से ज्यादा नहीं रखते हैं। इसीलिए आप उस सिक्के को या फिर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। जो वीडियो में हम लोग जो चीज बताते हैं वो कुछ अलग होती है, या फिर आपके पास में रखा हुआ सिक्का अलग है, ऐसा देखने का। आप म्यूल वैरायटी का सिक्का होने का मतलब ये होता है कि आप जो ये सिक्का देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है प्लेटिनम जुबली का ओवरभाग। ओवरभाग से इस सिक्के को देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन इसी सिक्के में अगर आपको कुछ अलग देखने को मिलता है, जैसे ये वाला सिक्का देखने को मिल जाता है इसी सिक्के में, ऐसा कुछ होता है तो ये सिक्का एक म्यूल सिक्का हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? म्यूल सिक्के की जानकारी आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। किसी भी वीडियो में आपको कोई म्यूल सिक्का बताएगा, वो एक्चुअली में जो म्यूल होता है उसकी बुक में मतलब दिखाया हुआ होता है कि ये सिक्का म्यूल हुआ है, ऐसा चांस होता है, तभी आपको उसका वीडियो बना के बताया जाता है। लेकिन जो म्यूल सिक्का होता है इसका मेन खासियत यही होता है कि ये जो ओवर भाग है, ये इस सिक्के का ओवर भाग इस सिक्के में दिखता है तो वो म्यूल हो जाता है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो रिवर्स साइड से अगर इस सिक्के को पलटी करके देखें तो इधर का भाग आपको म्यूल कॉइन में सेम ही देखने को मिलेगा, ये रिवर्स साइड हो जाती है। अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो फिर सिक्का ही चेंज हो जाता है, उसमें तो हम लोग म्यूल इसको नहीं बोल सकते, जो ये वाला सिक्का है उसका म्यूल हो जाता है। तो जो म्यूल सिक्का होता है वो आपको ऐसे वेरीफाई करना है, ऐसे आप समझना है कि कौन सा सिक्का कीमती है और कौन सा सिक्का ओनली नॉर्मल है। तो ये जो 5 रुपए का सिक्का आप अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कॉमन सिक्का है। अब ऐसे सिक्कों के बारे में आप कमेंट करोगे कि हमारे पास प्लेटिनम जुबली के 20 सिक्के पड़े हैं, तो भाई मैं क्या करूं, ऐसे 20 सिक्के नहीं, मेरे पास 50 पड़े हुए हैं, वो तो सेल होने के लायक नहीं है। सेल तो बहुत दूर की बात होती है, मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि कोई भी नुमाइस्मेटिक क्षेत्र का जो भी सिक्का या फिर कोई भी करेंसी होती है या फिर वो रेयर होता है तो उसकी एक वजह होती है, इसीलिए उसको कोई अपनी नुमाइश के लिए रखते हैं लोग, ना कि इनकी कोई मतलब खरीद के इनका कोई अचार नहीं डाला जा सकता। ये सिक्के ओनली अपनी नुमाइश के लिए रखे जाते हैं, किसी को क्या चीज पसंद है, कुछ यूनिक चीज मिल जाती है तो वो उसको रख लेता है। ऐसे कुछ सिक्के नोट होते हैं जिनको मतलब आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं, सेल होने की तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो एक ही सिक्का हो। इस वीडियो के माध्यम से समझाने का मतलब यह है कि हर एक सिक्का कीमती नहीं होता और हर एक कीमती सिक्का पुराना नहीं होता, ये चीजें ध्यान देने वाली है। यहां से ये चीज सीखना है आपको कि कलेक्शन के लिए क्या चीज शामिल करें, मतलब कुछ यूनिक ढूंढो, कुछ अपने सिक्के में यूनिक चीज देखो, अगर ऐसा मिल जाता तो वो यूनिक हो गया। जैसे कुछ लोग 786 के नोट के बारे में कमेंट करते रहते हैं, 786 का नोट पड़ा, भाई 786 का नोट तो बहुत है, हर एक सीरियल के अंदर 786 का नोट होता है, लेकिन वैल्यूएशन उस पर डिपेंड करती है कि उसकी जो आगे पीछे की सीरियल क्या है या फिर उस नोट में यूनिक क्या चीज है, क्या चीज अलग है जिसकी वजह से वो 786 का यूनिक हो सकता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ का नोट है तो वो सिक्का मेरे लिए यूनिक है, वो नोट मेरे लिए यूनिक है, या फिर नोट मेरे को मिल जाता है जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ मिलती हो तो वो मेरे लिए यूनिक हो जाता है, मेरे लिए वो कीमती नोट है लेकिन वो आपके लिए नहीं है। तो ऐसा आप कोई मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ का ऐसा कोई नोट होता है तो वो कीमती नोट माना जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ कंफ्यूजिंग दूर करना चाहता हूं कि कौन सा सिक्का या नोट का कलेक्शन करना चाहिए, आपको कुछ अलग लगे, कुछ अलग दिखे तब आपको उसको शामिल करना चाहिए। माता वैष्णो देवी के सिक्कों के बारे में भी बहुत सारे वीडियो जारी किए गए हैं, 5 लाख 10 लाख के दावे भी किए गए हैं। अब ये दोनों सिक्कों के दावे इतने ज्यादा हैं YouTube पे, कहीं पे 10 लाख बताएंगे तो कहीं पे 5 लाख रुपए बताए गए, लेकिन इतने मिलते नहीं है, क्योंकि सिक्का जब 5 रुपए की वैल्यूएशन के साथ में जारी किया गया है तो 50 लाख कौन देगा, सोचने वाली बात है। इसीलिए जब भी आपके हाथ में कोई सिक्का आए उसका यूनिक चीज देखो, अलग देखो उस सिक्के के अंदर, कलेक्शन करो। अपने कलेक्शन में आप एक नॉर्मल सिक्का भी जरूर रखो, लेकिन वो नया होना चाहिए, यूएनसी कंडीशन का होना चाहिए, अच्छी कंडीशन का सिक्का जिसमें आपको पॉलिश दिखे, मतलब ये सिक्का पुराना है तो कोई फायदा नहीं है, यूनिक होके भी कोई बेनिफिट वाली चीज नहीं है, हो सकता है जो
मतलब ईयर वाइज जो रेयर होते हैं या फिर वो तो चीज अलग हो जाती है, लेकिन ऐसे कोई भी सिक्का उठा के अपने कलेक्शन में शामिल मत करो, या फिर कोई भी चीज जब भी शामिल करनी है तो वो यूनिक चीज निकाल के शामिल करो। पुराना सिक्का है ये वाला, बहुत पुराना सिक्का है लेकिन कीमती नहीं है, क्यों नहीं है? पूरा घिसा पिटा देखो, कितने स्क्रेच पड़े हुए हैं, कितना अंदर से खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं, तो ये सिक्का कीमती नहीं है और ये कलेक्शन के लायक भी नहीं है। हाँ, मैंने इसको रखा हुआ है, ये मैंने वीडियो में समझाने के लिए मैं ये सिक्का रखा है, लेकिन वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। इस तरह का कलेक्शन आप शामिल करोगे तो आपको समझ में आएगा, अपने कलेक्शन से ही आप अपने सिक्कों की कीमत के बारे में पहचानने लग जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको स्पेशली इन सिक्कों की वेरिफिकेशन के लिए बताया गया है कि ये सिक्के कीमती कौन से होते हैं या फिर यूनिक नोट सिक्के आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक 2 रुपए का ये वाला सिक्का है, ये सिक्का कुछ अलग कलर में है, मैंने इसको रखा है, ये अलग कलर का सिक्का है। कुछ आपको मिल जाता है तो आप उसको अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं, उसकी क्या कीमत मिलती है वो तो आप किसी एग्जीबिशन में जाके वेरीफाई करवा सकते हैं किसी कॉइन कलेक्टर से, वो आपको बता देगा कि इनके बदले में आपको कितना मिल सकता है। तो ऐसे कुछ अलग चीज आपके पास होती है तो उसको आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेरे पास सिक्का है, तो इस सिक्के का जो कलर है ये थोड़ा डिफरेंट है मुझे, लेकिन डिफरेंट लगता है क्योंकि ये जो भाग होता है ये होता है इन सिक्कों का वो कॉपर निकल का, तो कॉपर का तो कलर अलग होता है लेकिन इसका कलर चेंज है, मैंने इसको अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। ये दो सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी यूनिक हो सकते हैं लेकिन इन सिक्कों की रेयरिटी नहीं है, क्योंकि ये रेयर वैरायटी के नहीं है, सिक्के पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, अपने कलेक्शन में रख सकते हैं लेकिन सिक्के कितने कीमती है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि कीमती वही होता है जो या तो कोई कम मात्रा में मिंटेड किया हो या फिर उसके अंदर कोई एरर आया हो या फिर कोई और वजह से उसके अंदर रेयरिटी हो, तो ऐसे कोई सिक्के होते हैं वो आप अपने कलेक्शन में शामिल करें। ये अभी आपने ये कमल वाला जो 20 पैसे का सिक्का है इसके बारे में बहुत सारे कमेंट करके रखे हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास भी पड़े हुए हैं 10-20 पड़े हुए हैं, क्या करूं, वो कीमती नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में समझाने का पूरा मतलब जो चीज है वो ये है कि आपको जो भी रेयर सिक्का निकालना होता है उसकी पूरी जानकारी हासिल करो, उसके बाद में उसका कलेक्शन करो।